हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस क्लास में बात करने वाले हैं कन्वर्जन की। हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। तो हम आज बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की। तो हम आज जानते हैं कन्वर्जन, आखिर ये कन्वर्जन होता कैसे है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्टेप वन दिया गया है, मैं स्टेप वन आपको बतलाता हूँ क्या है। मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ वेट्स टू द पावर वेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक डिजिट का किसके साथ, बेस के साथ, और बेस का जो पावर होगा वो उस नंबर का वेट होगा। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मुझे राइट से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट तक आना होगा। और यहाँ पे मुझे स्टेप टू दिया गया है, इसमें मुझे क्या करना है, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट टू गेट डेसिमल नंबर। और हमें डेसिमल नंबर चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सम करना होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका जो बेस है वो यहाँ पे टू दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये टू देख सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने यूनिक डिजिट है, दो, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे, इसलिए इसका बेस कितना होगा, दो। तो इसके बाद अब इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 1, 1, 0 और 1। इसके बाद हम इसे जो इसका वेट है हम वो देंगे, या कह सकते हैं इसका जो प्लेस वैल्यू है वो देते हैं। तो इसका 0 है, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, ये मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे कि स्टेप वन में बताया गया मल्टीप्लाई करना है ईच डिजिट, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 इंटू, और उसके बाद हमारा बेस क्या है, 2। तो हम इसे 2 से जो हमारा बेस है वो लिखेंगे, और उसके बाद हम इसका वेट देंगे 0 और इक्वल टू। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इसका वैल्यू होगा 1। तो 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं 0 की, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे इंटू, अब इसका वेट कितना है, 1। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसका जो पावर होता है अगर 1 है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो इसे हम 2 ही लिख देते हैं। लेकिन जब हम 2 इंटू 0 करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो ये है 1 इंटू, अब आपको क्या करना है, 2, इसका वेट कितना है, 2। तो 0 इंटू, अब अगर 2 के ऊपर पावर 2 है, 2 के ऊपर अगर पावर 2 है, तो हम इसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कितना होगा वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ये मैंने गलती से 0 लिख दिया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होगा 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। और फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2, तो इसका कितना हुआ, 8। तो अब हमें इसे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना होगा, 13। तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर। इसी तरह से आप डेसिमल नंबर को फाइंड करते हो। चलिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे खुद से लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं, हमने इरेज कर दिया। अब हम एक खुद से यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 0 1 0 1। अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो है
ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, इसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10101 इसका हम पहले बिट लिखते हैं। तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। अब हम बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 to the power 0 इसका वैल्यू कितना होगा, 1। अब हम बात करते हैं 0 की, तो इसके ऊपर जो इसका वेट कितना है 1, इसका वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद फिर है 1 × 2 to the power 2 इसका वैल्यू कितना होगा 4। 1 × 2 to the power 3 सॉरी यहाँ पे ये 0 होगा इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और यहाँ पे अब इसकी बारी है 1 × 2 to the power 4 इक्वल टू इसका होगा 16। तो अब हम इसे सम अप करना होगा, तो 16 + 0 + 4 + 0 + 1 इक्वल टू कितना होगा 20 और 21। इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो होगा 10। तो आप इस तरह से कन्वर्ट करते हो बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स के अंदर। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे दूसरे कोर्स को भी इनरोल कर सकते हैं, कीप लर्निंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।